बढ़ते नशे के प्रचलन को देखते हुए हिमाचल सरकार गंभीर हो गई है। प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस अभियान के मद्देनजर नाहन में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला उपायुक्त ने की। ड्रग्स का जो प्रयोग है वो निरंतर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक एक स्पेशल कैंपेन चलाया जाए, ताकि जो भी ऐसे ड्रग यूजर्स हैं, ड्रग्स के बारे में उसके दुष्प्रभाव क्या हैं, उसके बारे में पूर्ण सारे समाज के अंगों को, स्कूल के विद्यार्थियों को, कॉलेज को, महिला मंडल, युवक मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओस, सभी को जोड़ा जाए और इनको अवेयरनेस करवाई जाए कि जो ड्रग्स हैं उसका प्रयोग शरीर के लिए कितना हानिकारक है। वो जो ड्रग अडिक्ट हो चुके हैं वो वापस जिंदगी में, नॉर्मल लाइफ में शामिल हो सकते हैं। दे ऑलवेज कैन टेक यू टर्न। ऐसा नहीं है कि जो ड्रग अडिक्ट है वो ठीक नहीं हो सकता। उसके बारे में जो रैलीज और प्रभात फेरीज, नुक्कड़ नाटक, ये सभी आयोजित किए जाएंगे 15 नवंबर को। यहाँ चौगान में भी जितने हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन सभी के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में साइकेट्रिस्ट हैं वो यहाँ पे एक लेक्चर देंगे कि जो ड्रग्स का इल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और यहाँ पे सभी को औथ दिलाई जाएगी ताकि ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें। और पूरे शहर में प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। सभी सब डिविजन्स पे भी सारे एसटीएम, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्रवाई होगी वो अपन अपने सब डिविजन में करेंगे, ताकि जो ड्रग्स का इस्तेमाल है उस पर चेक लगाया जा सके। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।